साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। हम सीख रहे हैं हारमोनियम मास्टर कोर्स और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 12 के 12 पिस से सारे गामा पाधा नीसा कैसे बजाएं। आप एक सूत्र समझ लीजिए, इस सूत्र को समझने के लिए आपको केवल 12 तक गिनती आना चाहिए। हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो केवल 12 तक गिनती अगर आपको आती है तो सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि 12 गिनती इसलिए क्योंकि 12 स्वर हमारे होते हैं और 12 के 12 स्वर हम एक साथ लेते नहीं हैं, हम केवल 7 स्वर लेते हैं और बिलावल थाट में केवल हम 7 स्वर शुद्ध लेते हैं। तो उन 7 शुद्ध स्वरों का जो क्रम रहेगा, आप किसी भी स्वर को पहला स्वर बनाएं, आप किसी भी स्वर को पहला स्वर बना लें, जो क्रम मैं बता रहा हूं उस क्रम से अगर आप उंगलियां रखेंगे तो आपको सारे गामा पाधा नीसा बजाना आ जाएगा और ये स्वर शुद्ध बजेंगे। सा आपका पहला स्वर हो गया, आपने किसी भी बटन को सा बना दिया, एक स्वर छोड़ेंगे तो तीसरा स्वर आपका रे हो जाएगा और एक स्वर छोड़ेंगे तो अगला स्वर आपका गा हो जाएगा, जो पांचवा स्वर रहेगा, पहला तीसरा पांचवा। अब आपको कोई स्वर का गैप नहीं रखना है, पांचवा स्वर गा है और छठवा स्वर मा है, सारे गामा बज गया आपका। मां के बाद एक स्वर का गैप दीजिए जो कि आठवा स्वर होगा पा, फिर एक स्वर का गैप दीजिए धा, एक स्वर का गैप देंगे तो ये दसवा स्वर होगा धा, फिर एक स्वर का गैप दीजिए तो बारहवा स्वर होगा आपका नी, और नी और तार सप्तक के सा के बीच में कोई गैप नहीं होगा। पहला तीसरा पांचवा आठवा दसवा और बारहवा, और जिस स्वर से आपने शुरू किया था वही की वही बटन आपको तेरहवें स्वर के रूप में मिल जाएगी। तो ये एक सप्तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सप्तक आप किसी भी स्वर से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम 12 के 12 पिच यानी हारमोनियम में जितनी बटने हैं आप कहीं से भी सारे गामा पाधा नीसा बजाइए, क्योंकि प्रत्येक स्वर सा है, प्रत्येक स्वर रे है। मैं अब आपको प्रत्येक बटन से सारे गामा पाधा नीसा बजाना बता रहा हूं, आप उंगली चलन पर भी ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि सारे गामा पाधा नीसा प्रत्येक बटन से कैसे बजता है। तो चलिए साथियों आज का वीडियो हारमोनियम पर शुरू करते हैं। सारे गामा पाधा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। हारमोनियम की शुरुआत पहले सफेद से हो रही है। हम पहले सफेद से सारे गामा पाधा नीसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको मंद सप्तक में भी जाना होता है, मंद से कोई भी गीत बजाएंगे तो उसमें हमको नीचे भी जाना होता है, तो इसलिए हम हारमोनियम में इस चौथे वाले सफेद से आपको सारे गामा पाधा नीसा बजाने की शुरुआत कर रहा हूं। यही पहला सफेद यहां पर भी मिल जाएगा तो आप पहले सफेद की जो प्रैक्टिस यहां से है वो यहां से भी सीख सकते हैं। सफेद से बता रहा हूं, ये मेरा सा है, सा एक स्वर छोड़कर रे, एक स्वर छोड़कर गा, और गा और मां के बीच में कोई गैप नहीं है। उंगलियों का क्रम आप देख ही लें, यहां पर अंगूठा आ जाएगा, पा धा नी सा पर रख दें, लेकिन अगर आगे बढ़ना चाहे तो यहां अंगूठा रख दें, इससे आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो साथियों अब मैं आपको प्रत्येक पिच से यानी कि 12 की 12 बटने का हारमोनियम की किसी भी बटन से आप सारे गामा पाधा नीसा बजा सकते हैं। नियम यही रहेगा, 1 3 5 8 10 12 और 13वीं बटन के रूप में वही पहली बटन आ जाएगी। सारे गामा पाधा नीसा की प्रैक्टिस देखेंगे, नियम वही है, नियम आपने समझ चुके हैं, ये सा ये रे ये गा ये मा ये पा ये धा ये नी और ये सा। अवरोह भी उंगलियों का यही क्रम रहेगा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सफेद से हम सारे गामा पाधा नीसा की प्रैक्टिस देखेंगे, सा
काले से सारेगामा पा रहा नहीं सर प्रैक्टिस। सफेद से सारेगामा पा रहा नहीं सर प्रैक्टिस। पांचवे काले से सारेगामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस। सातवें सफेद से सारेगामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस। पहले सफेद से सारेगामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस। पहले काले से सारेगामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस। दूसरे सफेद से सारेगामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस। दूसरे काले से सारेगामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस। सफेद से सारेगामा पा धा नी सा की प्रैक्टिस। और चौथे सफेद से मैंने प्रैक्टिस आपको शुरुआत में बता चुका हूं। तो ये थी सारेगामा पा धा नी सा की प्रत्येक बटन से प्रैक्टिस। आप किसी भी बटन से सारेगामा पा धा नी सा बजाएं, नियम वही रहेगा। जिस बटन को आप पहला बटन मान रहे हैं वो आपका सा, पहला बटन सा। कहीं की भी बटन को आप अपना सा बना सकते हैं, उसको पहला स्वर बना सकते हैं। एक, तीन, पांच, आठ, दस और बारहवा स्वर सारेगामा पा धा नी। और जिस स्वर को आपने पहला कहा था वही स्वर, वही बटन तेरहवे स्वर के रूप में आपको मिल जाएगी। वो तार सप्तक का सा रहेगी और आप सारेगामा पा धा नी सा किसी भी बटन से बजा सकते हैं। तो साथियों, सारेगामा पा धा नी सा यानी बिलावल थाट लो कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें।